चलिए गाइस, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट आए हैं वो टॉपिक देखते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन सिंपल है, अब बस एक बार ध्यान देते चलो। तीन सीरीज में मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा, तो आप एक बार में समझ जाएंगे। इतने सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पूरा समझाऊंगा। ओके, चल लेट्स स्टार्ट। देख, अमेंडमेंट्स मेड बाय सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 एंड दोज आर इफेक्टिव फ्रॉम 1 February 2009। देखो, पहला अमेंडमेंट है प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड फॉर अवेलिंग आईटीसी इन केस ऑफ बिल्ड टू शिप टू सिचुएशन इन केस ऑफ सर्विसेस। क्या है? देखो, बहुत सिंपल। व्हाट वाज द अर्लियर प्रोविजन? रादर मैं आपका ध्यान सबसे पहले सेक्शन 16 पे लाना चाहूंगा। तो सेक्शन 16 क्या बोलता है गाइस? वन ऑफ द कंडीशन ऑफ सेक्शन 16 फॉर अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए वन ऑफ द कंडीशन है कि वो गुड्स और सर्विसेज जो है वो गुड्स और सर्विसेज रेसिपिएंट को मिल जाना चाहिए। वो मिलने के बाद ही रेसिपिएंट क्रेडिट ले सकता है ना। उसके पास वैलिड इनवॉइस होना चाहिए, उसके फैक्ट्री या ऑफिस में या शॉप में वो गुड्स मिल जाना चाहिए और रेसिपिएंट ने वो टैक्स पे कर सप्लायर ने वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम मतलब रेसिपिएंट कैन टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कि वो गुड्स हमें मिल जाना चाहिए। जैसे देखो, केसेस क्या होते थे जो पहले थे। देखो, मान के चलो ये है सप्लायर, ये सप्लायर बैठा है मुंबई में, राइट? मैं रेसिपिएंट जिसने ऑर्डर किया है ना, रेसिपिएंट, और हम लोग है नागपुर। अब मेरा एक जॉब वर्कर है और वो जॉब वर्कर है मुंबई में, जॉब वर्कर भी मुंबई। तो मैंने क्या किया, ये सप्लायर को बोला कि आप मुझे रॉ मटेरियल भेजो, और वो रॉ मटेरियल फिर मैं क्या करूंगा, नागपुर आने के बाद वो रॉ मटेरियल मुंबई भेज दू। अरे ऐसा करूंगा? नो, ऑफकोर्स नॉट। लेकिन कंडीशन बोल रही थी कि मैं तब तक क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा, मतलब रेसिपिएंट तब तक क्रेडिट नहीं ले पाएगा जब तक मेरे पास वो गुड्स नहीं आते, क्योंकि मैंने तो खरीदे सप्लायर से, मैं जीएसटी पे करूंगा और उसका क्रेडिट लूंगा रेसिपिएंट, बट मैं तब तक क्रेडिट नहीं ले सकता जब तक ये गुड्स फिजिकली मेरे फैक्ट्री में नहीं आते नागपुर में। तो बड़ा कंबसम हो रहा था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखो, अगर ये गुड्स रेसिपिएंट के डायरेक्शन से, मतलब रेसिपिएंट ने सप्लायर को बोला कि आप डायरेक्ट किसी थर्ड पार्टी को भेज दो, थर्ड पर्सन को भेज, राइट? तो बिल तो मेरे नाम पे आएगा, देखो बिल तो रेसिपिएंट के नाम पे ही आएगा, बट गुड्स का शिपिंग कहीं और हो जाएगा। इसलिए इसे बोलते बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन। तो बिल मेरे नाम पे आएगा लेकिन शिपिंग किसी और जगह चले जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला इस केस में कि जैसे ही ये गुड्स जॉब वर्कर को मिल जाएंगे, जैसे ही ये गुड्स जॉब वर्कर को मिल जाएंगे, रेसिपिएंट अपने फैक्ट्री में उसका क्रेडिट ले पाएगा। तो कंडीशन क्या है, गुड्स उसके पास चले जाना चाहिए, किसके पास, जॉब वर्कर के पास, तो मैं इधर क्रेडिट ले लूंगा। दिस इज कॉल्ड एज बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन। अब तक क्या था, ये बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन ओनली इन केस ऑफ गुड्स था। तो उन्होंने क्या किया, अभी इसको सर्विसेस के लिए भी इंक्लूड कर दिया, मतलब सर्विसेस इसमें इंक्लूड कर दिया। तो अभी अगर ये रेसिपिएंट ने बोला इसे कोई सर्विस लेना है, तो सप्लायर को बोला कि आप वो सर्विस डायरेक्ट किसको दे दो, जॉब वर्कर को दे दो, तो ही कैन नाउ टेक द क्रेडिट ऑफ दैट सर्विस। दो वो जो सर्विस है वो इसने नहीं ली, वो इसने नहीं, अब ये सर्विस तो कोई फिजिकली नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, ओ सर्विस देखो आ रही है, ऐसे बोल सकते क्या? ऑफकोर्स नॉट। तो ये क्या है, सर्विस प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस किसी और को मिल रही है ऑन डायरेक्शन ऑफ दिस पर्सन, बिलिंग किसी और को जा रहा है, सर्विस किसी और को मिल रही, बट इसके डायरेक्शन से अगर होगी तो फिर ये सर्विस का भी क्रेडिट हमें मिल जाएगा, रेसिपिएंट को मिल जाएगा। तो देखो, प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड इन अवेलिंग आईटीसी, हम आईटीसी अवेल कर सकते इन केस ऑफ बिल टू शिप टू सिचुएशन इन केस ऑफ सर्विसेज। तो पहले सिर्फ गुड्स था, अब सर्विसेज भी आ गए। तो देखो, द सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 has amended the said explanation to introduce such a deeming fiction
in case of services as well. As per amended explanation, it shall be deemed that registered person has received the goods or as the case may be services. Goods ya services, dono mein se koi bhi mila chalega. Where the goods are delivered by a supplier to the recipient or other person, any other person. So, ya to recipient ko jayega or any other person on a direction of such a registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during the movement of the goods, either by way of transfer of document of title of goods or otherwise. Matlab kya? Ki ye recipient ne bola ki direct goods kisi third person ko bhej do, agent ko, ho sakta hai uska agent hai, ya koi bhi job worker, koi bhi person ho, before or during the movement, matlab ye supplier se movement shuru hone ke pehle isne bol diya, tabhi to jaake yahan pe de paye, ki movement shuru hone ke pehle isne bata diya ki goods yahan pe pahuncha do, by way of document of title or anything, jo lorry receipt, railway receipt, ya गुड्स के केस में गुड्स की रिसीप रहती है, ये सब केस में आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, रिसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा जब गुड्स वो थर्ड पर्सन के पास चले जाए, बट इट शुड बी ऑन अ डायरेक्शन ऑफ रिसिपिएंट और हम उसको रजिस्टर्ड पर्सन. और जो अमेंडमेंट आई, ये क्लॉज है वो वेयर द सर्विसेस है ना, पहले गुड्स के लिए था, आर प्रोवाइडेड बाय अ सप्लायर टू एनी पर्सन ऑन डायरेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सच अ रजिस्टर्ड पर्सन, राइट. तो सर्विसेस के लिए भी अब ये आ चुका है. देन क्लैरिफिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये भी बहुत सिंपल है. देखो कैसे समझ लो इसको. अगर कोई एसएससी ऐसा है गाइस जो टैक्सेबल गुड्स भी बना रहा है और एग्जेम्प्टेड गुड्स भी बना रहा है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों गुड्स का आउटपुट सप्लाई कर रहा है और उसके लिए वो इनपुट ला रहा है इनपुट, तो हम लोगों को मालूम है कि जो इनपुट टैक्सेबल में गए उसका तो आईटीसी आपको मिल जाएगा, आईटीसी अवेलेबल है ना, बट जो गुड्स एग्जेम्प्टेड पे गए उसका आईटीसी आपको नॉट अवेलेबल हो, उसका आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं हो, राइट. सिंपल. नाउ व्हाट हैपेंड गाइस कि ये जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, इस एग्जेम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन में 17(2) जो है, 17(2) एंड 17(3), ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई में उन्होंने स्केड्यूल 3 के आइटम भी डाल दिए, स्केड्यूल 3 के जो नॉन टैक्सेबल आइटम है लाइक सिक्योरिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग, ये आइटम भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन में, इंक्लूसिव डेफिनेशन में डाल दिए, राइट. कौन से? सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, सिक्योरिटीज, लैंड एंड बिल्डिंग, ये आइटम भी किसके डेफिनेशन में आ गए? स्केड्यूल 3 के आइटम्स एग्जेम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशन में आ गए. लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इस बार 2018 में एक अमेंडमेंट किया, एक इंसर्ट एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया और बोला ये स्केड्यूल 3 के आइटम में से सिक्योरिटीज को उन्होंने हटा दिया, मतलब अब सिक्योरिटीज आर नो मोर एग्जेम्प्ट सप्लाइज, सिक्योरिटीज आर नो मोर एग्जेम्प्ट सप्लाइज, बट लैंड एंड बिल्डिंग को उन्होंने नहीं हटाया. ध्यान से सुनना, पहले क्या हुआ था कि एग्जेम्प्ट सप्लाइज की डेफिनेशन में 17(3) के हिसाब से स्केड्यूल 3 के आइटम भी थे, स्केड्यूल 3 में रिवर्स स्केड्यूल 3 में सिक्योरिटीज या फिर लैंड एंड बिल्डिंग का सेल, ये भी आइटम. अब उन्होंने क्या किया, इंसर्शन एक्सप्लेन इंसर्ट किया, राइट, एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया और एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करके उन्होंने क्या बोला कि ये जो आइटम है, कौन सा, सिक्योरिटीज और अदर आइटम इन स्केड्यूल 3 आर नो मोर एग्जेम्प्ट सप्लाइज, उनको हम एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं बोलेंगे, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग को उन्होंने नहीं हटाया. ओके, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो अभी भी एग्जेम्प्ट सप्लाई है. ध्यान से सुना, लैंड एंड बिल्डिंग अभी भी क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाई. तो वो उसके लिए जो इनपुट लाया जाएगा, उसके लिए जो इनपुट लाया जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, वो इनपुट को हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आईटीसी लिया होगा, पहले तो नॉट अवेलेबल है, और अगर लिया होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. ऐसा हुआ अमेंडमेंट, राइट, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग सेल अभी भी क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज का दायरे में आता है. तो देखो, द सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 18 हैज इंसर्टेड एन एक्सप्लेनेशन. इन दिस सबसेक्शन इट इज क्लैरिफाइड दैट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन शॉल नॉट इंक्लूड द एक्टिविटीज ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 3, शॉल नॉट इंक्लूड
एक्टिविटीज ऑफ अ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 3 जो मैंने बताया हटा दिया उन्होंने, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सा उन्होंने नहीं हटाया देखो, एक्सेप्ट दोज स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 5 ऑफ स्केड्यूल, सेड स्केड्यूल, दैट इज सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. मतलब ये जो है ये सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये अभी भी कौन सा सप्लाई है, एग्जेम्प्ट सप्लाई है सेल ऑफ लैंड एंड, राइट. बाकी स्केड्यूल 3 के आइटम उन्होंने हटा दिए एक्सप्लेनेशन से. देयरफॉर व्हाइल इन ऑल अदर आइटम ऑफ स्केड्यूल 3 आईटीसी विल नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिवर्स. तो बाकी स्केड्यूल 3 के आइटम के लिए अब आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं, बट इन केस ऑफ सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आईटीसी विल नीड टू बी, तो इसलिए उसका आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, ऐसा हुआ. ओके सिंपल, कुछ खास एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, बट ध्यान में रखो आप समझ जाए. देन वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक क्रेडिट के बारे में 17.5. अब देखो ये ऑलरेडी बहुत डिटेल में रेगुलर लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन मैं यहां भी आपको पूरा बताऊंगा, सिर्फ अमेंडमेंट नहीं बताऊंगा, पूरा 17.5 डिटेल में बताऊंगा. तो आप अब यहां से भी पढ़ के गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब आपने रेगुलर बुक से ना पढ़ते हुए 17.5 डायरेक्ट यहां से भी पढ़ा तो भी चले. आपको याद होगा 17.5 क्या है गाइस, इट इज अ ब्लॉक क्रेडिट. ब्लॉक क्रेडिट मतलब ऐसे क्रेडिट्स या ऐसे गुड्स जिनके ऊपर अगर हमने जीएसटी पे किया है तो उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा. अगर हमने जीएसटी पे किया है तो हमें उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसे हम बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट. ओके तो चलो समझते हैं ब्लॉक क्रेडिट क्या है. इसी को नेगेटिव लिस्ट नाम से भी, नेगेटिव लिस्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम से भी पुकारते हैं, नेगेटिव लिस्ट. तो देखो ब्लॉक क्रेडिट 17.5 ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव लिस्ट फॉर आईटीसी, मतलब ये आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट हम नहीं ले सकते. देखो टेबुलर फॉर्म में आपको पूरा समझाया मैंने. देखो द सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 हैज सब्स्टिट्यूटेड क्लॉज ए एंड क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 17.5 विद द व्यू टू एक्सपांड द स्कोप ऑफ आईटीसी अवेलेबिलिटी. आईटीसी की अवेलेबिलिटी एक्सपांड की है. Provisions relating to the credit availability undergone the changes in goods on services like motor vehicle, vessels and aircraft, general insurance, servicing and repair and maintenance, food and beverages, outdoor catering, membership of club, travel benefit etc. Under amended position, the restriction and availability of ITC in respect of goods or services are as. तो अब एक एक करके इतनी सारी जो ऊपर आपने सर्विसेज देखी ये सब याद आ रहे होंगे आपको, राइट. 17.5 में आपने अगर पढ़े होंगे तो ये सब याद आए आपको. तो ये सब सर्विसेज सब यहां पे दी हुई है, इसको एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सिंपल. ओके चल देखो मैं पहले आपको ये कॉलम वाइज बता दूं, ये सीरियल नंबर का कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 1, फिर ये कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4, चार कॉलम्स है. ओके चार कॉलम. तो पहला देखो सीरियल नंबर 1, इसमें फर्स्ट एंट्री है क्या, पहला है गुड्स एंड और सर्विसेज ऑन विच द क्रेडिट इज ब्लॉक, कौन से गुड्स और सर्विसेज पे क्रेडिट ब्लॉक है. देन इसके एक्सेप्शंस क्या है, मतलब यहां पे ये क्रेडिट अलाउ होगा, एक्सेप्शन टू कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 2 पे क्या एक्सेप्शन है, मतलब यहां दिए वो क्रेडिट्स हमको अलाउ होंगे. और रिमार्क्स क्या है उसमें, राइट. रिमार्क्स मतलब सिंपल लेमैन लैंग्वेज में उन्होंने लिखा हुआ, राइट. तो चलो देखो सबसे पहला आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो ये आप लिख सकते हो, पहले लिख लो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी, लिख लो पहले चौथा पॉइंट, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी फॉर बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ओके लिख लिया. चल देखो हो सकता है आपके बुक में दिया भी. देखो सबसे पहले मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैव विथ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर. तो ब्लॉक क्रेडिट में क्या, ऐसी मोटर व्हीकल, सर कैसी, ऐसी
अरे ऐसी मतलब कैसी, वो मोटर व्हीकल जो जिसकी सिटिंग कैपेसिटी 13%, एग्जैक्ट 13% या उससे कम है। मेरे पास क्रेटा है, बोलो सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, ड्राइवर पकड़ के 4+5, बोलो क्या क्रेडिट मिलेगा मैंने खरीदी तो? आंसर इज नो। मेरे पास ऑडी है, अगेन 3+1, क्या क्रेडिट मिलेगा? नहीं। मतलब जो मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी, देखो सबसे पहले मतलब अमेंडमेंट आने से पहले क्या लिखा था गाइज, वहां पे मोटर व्हीकल उन्होंने लिख दिया था बस, मोटर कोई भी मोटर व्हीकल का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, कोई भी मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट अब उन्होंने क्या किया, क्रेडिट को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन जो था मोटर व्हीकल का उसको थोड़ा सा लाइट कर दिया, और उन्होंने क्या बोला कि अगर मोटर व्हीकल ऐसी है जो 13 सीट से ज्यादा है, लाइक बसेस और मिनी बसेस, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया आपको बस रहती है या मिनी बस रहती है, 18 सीटर रहती है, 28 सीटर, 40 सीटर, 60 सीटर, ये जो बसेस है ये अगर आप खरीदते हो तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। जैसे खुराना ट्रेवल्स, सैनी ट्रेवल्स, इन्होंने एक बड़ी बस खरीदी तो क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? अब उसके ऊपर जीएसटी भी देना पड़ेगा, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? यस मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन वही अगर मैंने क्रेटा खरीदी या मैंने जीप कंपास खरीदी या मैंने लैम्बोर्गिनी खरीदी या मैंने ऑडी खरीदी या मैंने बीएमडब्ल्यू खरीदी, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज उसकी कैपेसिटी 13% या उससे कम, इंक्लूडिंग ड्राइव, राइट? जानबूझ के एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा क्या, 12 सीटर+1 ड्राइवर ऐसा दे देगा, 13, क्या क्रेडिट मिलेगा? नहीं, 13 सीटर तक कोई क्रेडिट नहीं। अरे समझ में आया, ये पहला पॉइंट, ओके, ये पहला अमेंडमेंट हुआ, राइट? दिस इज 13 सीटर वाला पहला अमेंडमेंट। अब देखो उसमें क्या, सच अ मोटर व्हीकल, बट क्रेडिट कब मिलेगा, है ना, कब मिलेगा क्रेडिट? क्रेडिट मिलेगा कब? इफ सच अ मोटर व्हीकल व्हेन यूज्ड फॉर, किसके लिए? मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच अ मोटर व्हीकल। मेरा शोरूम है मोटर व्हीकल का, लेट्स से एग्जांपल, मैं मेरा मोटर व्हीकल का निक्सा का शोरूम है या टोयोटा का शोरूम है। अब मैं क्या करता हूं, मोटर व्हीकल को खरीदता हूं और वो मोटर व्हीकल आगे बेचता हूं। तो जब ये मोटर व्हीकल मैं खरीदूंगा, मैं डीलर हूं, मैं मैन्युफैक्चरर से मोटर व्हीकल खरीदा, मैंने देखो इमेजिन करो सब चीजें आप खुद पे लो, आप ऐसा समझो कि आप खुद कोई डीलर हो, तो आप क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर से मोटर व्हीकल खरीदेंगे, उसको पैसे देंगे और उसके साथ जीएसटी भी देंगे, और वो मोटर व्हीकल आगे आप कस्टमर्स को बेचेंगे। तो जो जीएसटी मैंने मैन्युफैक्चरर को पे किया, क्या उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा? यस डेफिनेटली आई विल गेट द क्रेडिट, ओके। सो इफ इट इज मेकिंग फॉर फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच अ मोटर व्हीकल, सेकंड मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, यस। तो ऐसी मोटर व्हीकल जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन लाइक अगेन वही एग्जाम्पल खुराना या फिर सैनी ट्रेवल्स, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं इसे यूज कर रहा हूं, कोई टैक्सी मैंने खरीदी जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अब भले ही क्यों ना उसका सिटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है, लेकिन अगर वो मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहा हूं तो मुझे क्रेडिट मिलेगा। अरे आया समझ में? वो कार जो कार मैं डीलर था, वो कार अभी क्रेटा ही है, तो हुंडई की कार मान के चलो, वो हुंडई की कार मैंने खरीदी, अरे समझ में आया? भले ही क्यों ना अब मैं फिर से कौन हूं गाइस, अगेन वो कार जो है वो 13 सीटर के कम है, बट क्रेडिट मिलेगा क्योंकि मैं किस चीज के लिए यूज कर रहा हूं, बोलो, मैं उसे यूज कर रहा हूं फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच अ मोटर व्हीकल। तो चलो पहले दो पॉइंट पढ़ो, तो क्या आपको क्रेडिट मिलेगा? यस, राइट? तो पहला पॉइंट मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई, दूसरा मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, थर्ड वन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इंपार्टिंग मोटर ड्राइविंग स्किल ऑफ सच अ मोटर व्हीकल। मतलब मेरा कोई ड्राइविंग स्कूल है और वो ड्राइविंग स्कूल के लिए मैंने व्हीकल खरीदी, मारुति 800 अब तो दिखती भी नहीं है ना, तो मारुति 800 खरीदा क्यों? क्योंकि मैं लोगों को ड्राइविंग के क्लासेस लेता हूं, लोगों को ड्राइविंग सिखाता हूं, अरे बराबर। तो क्या वो मोटर व्हीकल मारुति 800 जो मैंने खरीदी उसका क्रेडिट मिलेगा? यस डेफिनेटली आई कैन गेट इट, अरे आया समझ में? एंड लास्ट अगेन जो इस बार अमेंड हुआ,
ये तीन तो आपको पहले भी मालूम थे, ये जो अमेंड हुआ वो क्या है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी फॉर बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। आपने देखा होगा बैंकिंग कंपनी जो रहती है SBI, HDFC, एक्सिस बैंक, ये कैश ट्रांसफर करते एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में या कहीं और दूसरे बैंक में भी ट्रांसफर करते कैश, तो वो गन लेके लोग खड़े रहते बाहर, आपको मालूम है, जो कैश की वैन रहती, राइट। अब वो कैश की वैन, जो कैश की वैन है, अगर वो वैन बैंकिंग कंपनी खरीदती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीदती है, तो क्या उसका क्रेडिट बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिलेगा? यस, डेफिनेटली इट विल गेट, राइट। तो अगेन नया अमेंडमेंट, लेकिन वही मान के चलो मेरी एक कंपनी है, मान के रिलायंस कोई वैन खरीदता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी, क्या क्रेडिट मिलेगा? नहीं, इट इज ओनली फॉर बैंकिंग कंपनी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी तो करना है, लेकिन किसको क्रेडिट मिलेगा? सिर्फ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अरे समझ में आया? तो पहला पॉइंट मोटर व्हीकल बड़ा सिंपल था। सबसे पहले उन्होंने ब्रॉडर टर्म्स में बोल दिया कि मोटर व्हीकल ऐसी जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है हम क्रेडिट नहीं देंगे, जो भी GST लगेगा उसका क्रेडिट नहीं देंगे। लेकिन अगर वो मोटर व्हीकल कोई भी अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए यूज हो रही या फिर फर्दर सप्लाई के लिए या इम्पार्टिंग मोटर ड्राइविंग स्किल या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी फॉर बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका क्रेडिट हम आपको दे। अरे समझ में आया? तो देखो रिमार्क्स में लेमैन लैंग्वेज में वही लिखा है गाइस, ITC ऑन अ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विद अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 13 और लेस इंक्लूडिंग ड्राइवर यूज फॉर एनी पर्पज अदर देन मेंशन इन सीरियल नंबर 1 ऑफ कॉलम नंबर 3। ये कॉलम नंबर 3 में ये पर्पज दिए, अगर इसके लिए यूज हो रही तो क्रेडिट, अगर ये तीन पर्पज के लिए हो गए तो क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा। और दूसरा पॉइंट दिया है, इफ द मोटर व्हीकल ITC ऑन मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विथ अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 13% और मोर, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। 13% से ज्यादा है तो फिर आपको क्रेडिट अवेलेबल 13% से ज्यादा, एग्जैक्ट 13 है नो क्रेडिट, एग्जैक्ट 13 है नो क्रेडिट। और थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई ट्रक खरीदते हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या ऐसा व्हीकल जो आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए खरीद रहे हो, डंपर्स टिप्पर्स, ऐसे व्हीकल पे भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। देखो ITC ऑन एनी अदर मोटर व्हीकल, फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, डंपर्स टिप्पर्स एक्सेट्रा यूज्ड फॉर एनी पर्पज, द क्रेडिट इज अलाउड, इसका भी क्रेडिट अलाउड, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क, राइट। तो क्रेडिट किन किन का अलाउ है? पहला, अगर मैं मोटर व्हीकल ला रहा हूं और उसको एज इट इज मतलब सेल कर रहा हूं, मेरा शोरूम है कोई हुंडई का, नेक्सा का, कोई भी। दूसरा, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज हो रही। थर्ड वन बोलो, इम्पार्टिंग मोटर ड्राइविंग स्किल। फोर्थ वन, मनी ट्रांसफर करने के लिए ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पांचवा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रक मैंने खरीद के लाए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या फिर डंपर्स टिप्पर्स, इनका भी क्रेडिट अलाउड। ओके, तो नीचे देखो कुछ एग्जांपल्स दिए आपको फटाफट और समझ में आएंगे। ITC ऑन कार परचेज बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ऑफिशियल यूज, बताओ क्रेडिट मिलेगा? नो, ऑफ कोर्स नॉट, इट इज ब्लॉक्ड। देन ITC ऑन अ कार परचेस्ड बाय द कार डीलर टू सेल इट्स कस्टमर, क्रेडिट अलाउड। ITC on a car purchased by the company engage in renting out of a car for transportation of passenger, definitely credit is allowed। इसे बहुत सारे लोग देखना कार रेंट पे देते, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को या बाकी लोग कार रेंट पे देते, उसका क्रेडिट मिल जाए। देन ITC on car purchased by a car driving school, अगेन अलाउड। ITC on a buses purchased by the company for transportation of his employee from residential to office and back, ये सर अलाउड, क्योंकि ये बस ऐसा माना है कि इसकी कैपेसिटी 13% से ज्यादा, मोर देन 13% कैपेसिटी। एंड ITC ऑन ट्रक परचेज बाय द कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज अगेन अलाउड। अरे आया समझ में? देन सेकंड इज विसल्स एंड एयरक्राफ्ट। पहले ये दोनों एंट्री एक में ही थी, मतलब मोटर कार्स
वेसल एंड एयरक्राफ्ट ये सिंगल एंटिटी, अब उन्होंने इसको बायफर्गेट कर दिया, सीरियल नंबर 2 में डाल, तो उनको बायफर्गेट मोटर व्हीकल का अलग और वेसल एंड एयरक्राफ्ट का। तो वेसल और एयरक्राफ्ट अगर आप परचेस करते हो तो इस पे कोई क्रेडिट नहीं, दिस इज ब्लॉक क्रेडिट वाला कॉल, ओके। तो अगर मैं परचेस करता हूं कोई वेसल या एयरक्राफ्ट, बहुत बिजनेस चला मेरा, बहुत अच्छे क्लासेस चले, ऑफकोर्स अगर मैं इतना अच्छा पढ़ाऊंगा और आपको इतना अच्छा समझेगा तो डेफिनेटली मैं एयरक्राफ्ट परचेस कर पाऊंगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, है ना नालायक लोग, हाँ तो बोलो यस। तो ये मोटर वेसल्स या एयरक्राफ्ट मैंने परचेस किया तो उसके ऊपर जो जीएसटी लग के आया उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। बट कौन से केस में मिलेगा, देखो कौन से केस में मिलेगा, वेसल और एयरक्राफ्ट व्हेन इट इज यूज फॉर क्रेडिट अवेलेबल वाला कॉलम है, क्रेडिट अवेलेबल कब मिलेगा, देखो इफ इट इज यूज फॉर मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट। मेरा बिजनेस क्या है, मैं डीलर हूं, मैं मैन्युफैक्चरर से वेसल एयरक्राफ्ट खरीदता हूं और कस्टमर को बेचता हूं, मेरा बिजनेस ही है, मैं डीलर, तो डीलर को अगेन क्रेडिट मिलेगा जैसे वहां पे लिखा मोटर व्हीकल। देन इट इज यूज फॉर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इंडिगो ने एयरक्राफ्ट खरीदा, क्या उसे क्रेडिट मिलेगा, यस डेफिनेटली इट विल गेट द क्रेडिट बिकॉज इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। लेकिन मुकेश अंबानी ने अपना प्राइवेट जेट खरीदा, एयरक्राफ्ट खरीदा, क्रेडिट नहीं मिले, अरे आया समझ। थर्ड वन, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग ऑन सच वेसल्स, सिखाने के लिए, वेसल्स को सिखाने के लिए, नेविगेशन एयरक्राफ्ट को सिखाने के लिए अगर कोई एयरक्राफ्ट परचेस किया जाता है उसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा, यस यू कैन गेट द क्रेडिट, अरे ध्यान में आया आपको, उसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग ऑफ सच एयरक्राफ्ट, ये वेसल के लिए नेविगेटिंग वाला और इंपार्टिंग ट्रेनिंग वाला ये एयरक्राफ्ट, तो इसका भी क्रेडिट हमें मिल जाएगा। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर मैं ये वेसल और एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करने के लिए, मतलब वेसल से मैं गुड्स यहां के वहां कर रहा हूं, तो फिर उसका क्रेडिट मुझे। तो अपार्ट फ्रॉम दीज 5, 1, 2, 3, 4 and 5, अपार्ट फ्रॉम दीज 5, अगर मोटर एयर वेसल और एयरक्राफ्ट में ये 5 चीजों के लिए यूज कर रहा हूं तो मुझे क्रेडिट मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम दीज 5 अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे क्रेडिट नहीं, तो वही वहां पे दी। आई समझ में आया, तो क्या क्या 5 चीजें, मैं फर्दर सप्लाई कर रहा हूं, राइट, मैं उसको किसके लिए यूज करूं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए, या फिर इंपार्टिंग ड्राइविंग स्किल्स के लिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। तो देखो एग्जांपल, आईटीसी ऑन एयरक्राफ्ट परचेज बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर इट्स ऑफिशियल यूज, नो क्रेडिट, ऑफिशियल यूज के लिए नहीं है, बट आईटीसी ऑन एयरक्राफ्ट परचेज बाय एन एविएशन स्कूल प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट इज अलाउड, तो ट्रेनिंग के लिए है तो फिर उसका क्रेडिट मिल, ओके ग्रेट। देन नेक्स्ट, जनरल इंश्योरेंस, थर्ड वन, जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिलेटिंग टू अ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ पर्सन विथ अ सीटिंग कैपेसिटी इफ लेस देन 13 और इक्वल टू 13 वेसल और एयरक्राफ्ट। ध्यान से सुन, बहुत ही सिंपल, एक लाइन में आप समझ जाओ, ध्यान से, ऐसी मोटर व्हीकल सर, कैसी, ऐसी मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी लेस देन और इक्वल टू 13 है, जो हमने देखा उसका क्रेडिट हमें नहीं मिलता, बराबर, हम देख के, वेसल और एयरक्राफ्ट का भी क्रेडिट हमें नहीं मिलता अगर हमने परचेस किया तो इनके रिलेशन में ये मोटर व्हीकल जो 13 या उससे कम सिटिंग कैपेसिटी वाली है, या वेसल या एयरक्राफ्ट, इससे रिलेशन में, मतलब इनका क्रेडिट तो ऑलरेडी ब्लॉक है, तो ऐसे वेसल के, एयरक्राफ्ट के या मोटर व्हीकल के रिलेशन में अगर मैं कोई सर्विस लेता हूं, कौन सी, जनरल इंश्योरेंस की, सर्विसिंग की, रिपेयर मेंटेनेंस की, ये 3 सर्विस अगर मैं ले रहा हूं, 1, 2 and 3, जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस और सर्विसिंग, अगर ये 3 सर्विसेज में उनके रिलेशन में लेता हूं तो मुझे इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, अरे ओरिजिनल क्रेडिट ही ब्लॉक है, जब आप मोटर व्हीकल को परचेस कर रहे तभी क्रेडिट नहीं मिल रहा, तो इसके जनरल इंश्योरेंस का भी क्रेडिट नहीं, ये मोटर व्हीकल का आपने इंश्योरेंस निकाला होगा, कौन सी मोटर व्हीकल का, मैंने मेरे कार का इंश्योरेंस निकाला, अरे मुझे कार का ही क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो ये इंश्योरेंस का क्रेडिट कहां से मिलेगा भाई। तो जो ब्लॉक क्रेडिट ऑलरेडी देख के आए, मोटर व्हीकल लेस देन और इक्वल टू 13 कैपेसिटी, वेसल एयरक्राफ्ट,
उनका क्रेडिट नहीं, तो उनके रिलेशन में जो भी जनरल इंश्योरेंस की सर्विस है, जो भी रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस है, जो भी सर्विसिंग करते हो आप गाड़ी का, उसकी सर्विस है, उसका भी, उसके ऊपर भी जो जीएसटी लग के आएगा उसका भी क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। समझ में आया? लेकिन क्रेडिट किनका अलाउड है? जो हम लोगों ने ये एक्सेप्शन देख के आए, ये सब एक्सेप्शन थे, पांच चीजें, या फिर इधर भी एक्सेप्शन। अगर ये मोटर व्हीकल या वेसल और एयरक्राफ्ट जो चीजें वहां पे दी है उससे रिलेटेड है तो फिर हमें क्रेडिट मिल जाए, राइट? तो देखो वही चीजें, ये देखो सच क्रेडिट अलाउड वाला कॉलम, क्रेडिट अलाउड कौन सा, देखो सच अ मोटर व्हीकल रिलेटिंग टू द मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ पर्सन विथ अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 13 और लेस व्हेन इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सीरियल नंबर 1 ऑफ कॉलम 3। ये जो आपका सीरियल नंबर 1 है, इसके कॉलम 3 में ये मोटर व्हीकल दी है, तो इसके रिलेशन में अगर वो मोटर व्हीकल यूज हो रही, जैसे आपने कोई मोटर व्हीकल लाया फॉर इंपार्टिंग मोटर ड्राइविंग स्किल, तो मोटर व्हीकल का क्रेडिट आपको अलाउड है, तो उसके रिलेशन में आप अगर इंश्योरेंस निकालते हो वो भी अलाउड है, उसका जीएसटी भी अलाउड है, सर्विसिंग करते हो उसके ऊपर का जीएसटी भी अलाउड है, रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हो उसके ऊपर का जीएसटी भी अलाउड है। अरे समझ में आया? तो वो सीरियल नंबर 1 ऑफ कॉलम 3 अबाउ, इसका जीएसटी हमें अवेलेबल होगा। चलो बताओ, मैंने मोटर व्हीकल खरीदी, मैं बैंकिंग कंपनी हूं, मैंने मोटर व्हीकल खरीदी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी और उसका इंश्योरेंस निकाला, क्या अवेलेबल है जीएसटी का क्रेडिट वो इंश्योरेंस पे जो लग के आएगा? यस, इट इज अवेलेबल। अरे आया समझ में? देन सच अ सर्विसेज रिलेटिंग टू वेसल और एन एयरक्राफ्ट यूज फॉर द पर्पज ऑफ सीरियल नंबर 2 कॉलम 3, सेम। अगर वेसल और एयरक्राफ्ट इन पांच चीजों के लिए यूज हो रहा है तो उसका क्रेडिट हमें अवेलेबल है, तो उसके इंश्योरेंस का, जनरल इंश्योरेंस का, या फिर सर्विसिंग का, या रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट भी अवेलेबल। देन नेक्स्ट, अगेन इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी देख चुके अपन। सच अ सर्विसेज व्हेन रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन एंगेज्ड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ अ मोटर व्हीकल एज मेंशन इन सीरियल नंबर 3 ऑफ कॉलम 2 वेसल और एयरक्राफ्ट। अरे समझ में आया क्या? अगर कोई मोटर व्हीकल का मैन्युफैक्चरर है, जैसे देखो मारुति कार, राइट? ये मारुति जो है, इसने क्या किया कि ये अपना शोरूम है, ही इज अ मैन्युफैक्चरर, बराबर। ये शोरूम में बहुत सारी उसके कार है, बहुत सारी कार। अब ये कार का, ये स्टॉक का उसने क्या करवाया? इंश्योरेंस करवाया, जनरली इंश्योरेंस करवाया मैन्युफैक्चरर। तो क्या मारुति का, देखो ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, इसको बिल देगी, मान के चलो ये इंश्योरेंस है 10 करोड़ रुपए और उसके ऊपर जीएसटी लग के आएगा, लेट से 1 करोड़ रुपए जीएसटी लग, तो क्या ये 1 करोड़ रुपए का क्रेडिट मिलेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि ये मारुति क्या है? मैन्युफैक्चरर। ये अपने इसके लिए, ये जो कार है, ये कार उसके लिए मोटर व्हीकल नहीं है गाइस, ये उसके लिए स्टॉक है, तो इस मैन्युफैक्चरर का उसको क्रेडिट मिल जाएगा। अरे आपके ध्यान में आया? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? या फिर देखो इसने क्या किया, मान के चलो एक मोटर व्हीकल है कोई, ये लोग ट्रायल देने के लिए रखते, ट्रायल रन, लोग खरीदने जाते हैं तो पहले ट्रायल रन देते, तो ये ट्रायल रन में मेरे जैसा नया आदमी गया, कार में बैठा, मुझे कार चलाना नहीं आता, मैंने उसको बोला यस मुझे आता है, चलो मुझे ट्रायल रन दो, हर गया और ठोक दिया कार। अरे समझ में? अब ठोक दिया तो कार तो खराब हो गई भाई, तो मारुति क्या करवाएगा? उसका रिपेयर मेंटेनेंस करवाएगा, रिपेयर मेंटेनेंस वाला उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा, क्या उसका क्रेडिट ये मैन्युफैक्चरर को मिलेगा? यस, क्रेडिट इज अवेलेबल, बिकॉज वो कार इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल गुड्स स्टॉक है, उसके लिए रेवेन्यू गुड्स है, इसलिए उसका क्रेडिट उसे मिल जाएगा। तो देखो क्या लिखता है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल मेंशन इन सीरियल नंबर 3, ये जो सीरियल नंबर 3 में जो मोटर व्हीकल दी हुई आपको इन कॉलम 2, ये सीरियल नंबर 3 का कॉलम 2 है, दिस इज कॉलम 2, सीरियल नंबर 3 का कॉलम 2 कब मिलेगा, और वेसल और एयरक्राफ्ट कब मिलेगा? अगर ये जनरल इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अ मोटर व्हीकल सीरियल नंबर 3 ऑफ कॉलम 2 ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट इंसर्टेड बाय हिम, तो उसका क्रेडिट फिर उसे मिल जाएगा मैन्युफैक्चरर। ओके, आया समझ में? तो देखो ITC is not allowed on services of general insurance, servicing, repair, maintenance relating to the motor vehicle, vessels or aircraft
आईटीसी ऑन विच इज नॉट, मतलब ऐसे मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर नॉर्मली परचेज पे आईटीसी नहीं है, उनके जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस और सर्विसिंग पे भी आईटीसी नहीं मिले. बट आईटीसी इज अलाउड ऑन जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर मेंटेनेंस रिलेटिंग टू द मोटर व्हीकल और एयरक्राफ्ट और वेसल ऑन विच द आईटीसी इज अलाउड, मतलब जिस पे आईटीसी अलाउड होगा उसके ऊपर तो फिर क्रेडिट मिलेगा इंक्लूडिंग दिस मैन्युफैक्चर. अरे आया ध्यान में, उसका भी एग्जांपल दिया. आईटीसी ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार यूज्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ऑफिशियल पर्पस, वेदर क्रेडिट इज अलाउड? नो, ऑफ कोर्स नॉट. देन आईटीसी ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस अवेल्ड बाय द कंपनी ऑफ अ ट्रक, ट्रक का यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स. क्या नॉर्मल ऐसे ट्रक का आपको आईटीसी मिलता है परचेस करने पे? यस, तो फिर ये सर्विसेज का भी आईटीसी मिल. ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ वन, फूड एंड बिवरेजेस. मैंने मेरे ऑफिस में आर्टिकल्स के लिए चिप्स के पैकेट लाए, रसगुल्ला, फूड, बिवरेजेस, कोका कोला, ये सब लाए. हार्ड ड्रिंक्स नहीं रहे, सॉफ्ट ड्रिंक लाए. हाँ, तो क्या उसका क्रेडिट मिलेगा मुझे, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, फूड एंड बिवरेजेस का कोई क्रेडिट नहीं. आउटडोर कैटरिंग, मैंने ये ऑफिस के एम्प्लॉयज के लिए खाना लगाया, खाओ लंगर खाओ, ओ कैटरिंग वाला मुझे बिल देगा, क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा. देन ब्यूटी ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं होता है जनरली ऑफिसेस में, लेकिन एग्जांपल लेते अपन कि मैंने क्या किया, मेरे पूरे ऑफिस के, क्यों लड़के भी ब्यूटी ट्रीटमेंट कर सकते भाई, लड़कियां जुड़ ना करते, तो दोनों को, लड़के और लड़कियां दोनों को ब्यूटी पार्लर में भेजा, आते समय एकदम मुझे फ्रेश लगना चाहिए सब लोग. तो उसके लिए मुझे वो ब्यूटी पार्लर वाली ने बिल दिया, क्या उसका क्रेडिट मैं ले सकता हूं? बिल्कुल नहीं. विजय माल्या ने, किंग फिशर वाला है, अभी तो डूब गया, उन्होंने क्या किया कि पूरे एयर होस्टेस को ब्यूटी ट्रीटमेंट दिलवाया और उनसे बिल दिया ब्यूटी ट्रीटमेंट वाली से, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा. अरे समझ में आया. देन हेल्थ सर्विसेस, मैंने मेरे ऑफिस के बाजू में जिम खोल दिया, सब सब स्टूडेंट जो भी आर्टिकल है वहां पे जाएंगे जिम में, उसका बिल आया, क्या क्रेडिट मिलेगा? नहीं. कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, जैसे किसी का कान बड़े होते, किसी की नाक बड़ी होती है ना, देखा आपने, जैसे नाक बड़ी रहती है एकदम, है तो उसको कटवाया, जनरली लोग नाक कटवाते हैं, सब बोलते हैं ना, नाक कटवा के आया, तो ये सब प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी किया, उसका बिल आया, उसके ऊपर जीएसटी, क्या क्रेडिट मिलेगा? नहीं. तो ये सब सर्विसेज जो है इनका क्रेडिट फूड बिवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, इनका क्रेडिट नहीं मिलेगा. देन ये जो चीजें ये नहीं ऐड हुई, अब लीजिंग और रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट ऑन विच क्रेडिट इज नॉट अलाउड, एंड लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस. तो एक एक करके समझते, पहला लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस लेते. मैंने मेरे एम्प्लॉयज के लिए ऑफिसेस में सबका लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, उसके ऊपर जीएसटी लग गया, क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा? ऑफ कोर्स नॉट. फिर लीजिंग, रेंटिंग एंड हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इसका क्या प्लानिंग कर रहे थे लोग, वो मैं समझाता हूं, पहले तो जल्दी समझेगा. देखो, मान के चलो ये एक मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल, राइट, ये मोटर व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी है लेट्स से 8, बता क्या ये मोटर व्हीकल का मुझे क्रेडिट मिलेगा? सीटिंग कैपेसिटी ऐसे लिख दे, सीटिंग कैपेसिटी, क्या इसका क्रेडिट मुझे मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा क्रेडिट, बराबर, क्योंकि लेस देन 13 है और ये मोटर व्हीकल मैं मेरे ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज कर, मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, राइट. अब क्या हुआ गाइज, मुझे मालूम है कि मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो मैं मोटर व्हीकल क्यों परचेस करूंगा? मैं क्या करता था, मैं इस मोटर व्हीकल को लीज पे लेता था, लीज पे या फिर रेंटल पे लेता. देखो लॉजिक समझो, लॉजिक समझेंगे तो बहुत जल्दी लॉ ध्यान में. इसलिए मैं हमेशा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देता हूं. आपने देखा होगा बिगर कॉन्सेप्ट के अपन इतने सारे अमेंडमेंट पता है, कोई चीज अपन बिगर कॉन्सेप्ट की नहीं पढ़ती. तो मैंने ये क्या किया, लीज और रेंटल पे लिया किसी से. अब सामने वाला क्या करेगा, मुझे बिल देगा, मान के चलो 10,000 रुपए महीने का लीज रेंटल दिया उसने, LR लीज रेंटल, और उसके ऊपर 2,000 रुपए का जीएसटी लगा के दिया. अब लोग क्या कर रहे थे पहले कि भाई मोटर व्हीकल खरीद के भी क्या फायदा, उसके जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिल रहा,
तो मैं क्या करता हूं, इसको लीज पे लेता हूं, रेंटल पे लेता हूं, ताकि मुझे ये लीज रेंटल पे जो जीएसटी आ रहा है उसका क्रेडिट मिल जाए। गवर्नमेंट के बात समझ में आ गई, उन्होंने बोला चोलबे ना, ऐसा नहीं चलेगा, चोलबे ना मतलब वो जो क्रेडिट, जो मोटर व्हीकल आप परचेस कर रहे थे, अगर वो मोटर व्हीकल पे क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो फिर उसके लीज और रेंटल पे, अगर उसके लीज और रेंटल पे अगर आप ले रहे हो तो उसके ऊपर वो लीज रेंटल या लीज या रेंटल पे जो जीएसटी लगेगा उसका भी क्रेडिट हम आपको नहीं देंगे। जो मोटर व्हीकल अगर आप परचेस करते थे वो परचेस करने पे आपको क्रेडिट नहीं है, तो फिर वो मोटर व्हीकल जो आपने लीज या रेंटल पे ली उसका भी हम आपको क्रेडिट नहीं। अरे आया समझ में, आपको ध्यान में आया पक्का? तो देखो पढ़ो। लेकिन फिर ऐसी मोटर व्हीकल है जो मोटर व्हीकल का आप क्रेडिट ले सकते हो, जैसे हम लोगों ने देखा कौन कौन से मोटर व्हीकल का क्रेडिट ले सकते हैं आप, जो वहां पे देखा इम्पार्टिंग मोटर ड्राइविंग स्किल वाली, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स वाली, या ट्रक आपने परचेस किया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उसका आप नॉर्मल परचेस पे भी क्रेडिट ले सकते हो। तो फिर वो अगर आप किराए पे लेते हो, लीज पे लेते हो, रेंटल पे लेते हो, तो उसका भी क्रेडिट हम आपको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम, राइट? लेकिन ये प्लानिंग जो चल रही थी उसको रोकना, राइट? चलो पढ़ो। गवर्नमेंट का कहना है उसी को गर्लफ्रेंड बनाओ जिससे आप शादी कर सकते हो, है ना? मतलब उसी को किराए पे लो जिसको आप खरीद सकते हो या खरीदने पे जीएसटी इसका मिल सकता है। तो उसी से वैसे ही गर्लफ्रेंड आप बनाओ जिससे आप शादी करो, है ना? कुछ लोग रहते हैं ना, अरे नहीं यार टाइम पास करते हैं, शादी होने तक टाइम पास हो जाएंगे फिर खत्म, राइट? तो उससे उसके रेंट पे लेने से आपको जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप उससे शादी कर सकते हो तो फिर आप उसको अगर रेंट पे भी लोगे तो आपको उसके जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा, राइट? चल अच्छी बात। अच्छा है गवर्नमेंट साहब, ओके। ये सब एग्जांपल है, काल्पनिक है जो मैं बताता हूँ, लीजिंग एंड रेंटिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। आप लोग बोर हो जाते हो इसलिए ऐसे एग्जाम्पल बनाना पड़ता है। देन वेसल और एयरक्राफ्ट ऑन विच द आईटीसी अलाउड, ऐसे वेसल और एयरक्राफ्ट जिनके ऊपर आईटीसी, मतलब वहां पे आपको अलाउड नहीं है, वेसल और एयरक्राफ्ट पे आईटीसी अलाउड नहीं, तो यहां पे भी वो आईटीसी अलाउड नहीं रहेगा, लीज रेंटल पे लेते हो, राइट? व्हीकल ये पॉइंट नहीं है एक्चुअली, व्हीकल वेसल्स एयरक्राफ्ट ऑन विच आईटीसी इज नॉट, तो ऐसा मोटर व्हीकल या वेसल और एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर नॉर्मली परचेस करने पे आपको आईटीसी नहीं, उनको लीज या रेंटल पे लेते हो तो भी आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं, तो वही वहां पे दिया है आपको। तो देखो कब मिलेगा आईटीसी अलाउड, सच अ गुड्स और सर्विसेज व्हेन इट इज यूज्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ अ सेम कैटेगरी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और एज एन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। मतलब क्या, देखो जैसे मैंने क्या किया, मान के चलो मैं कैटरिंग वाला पर्सन, ओके, नॉर्मली कैटरिंग वाली सर्विस जो है वो कैटरिंग वाली सर्विसेज पे जीएसटी का क्रेडिट अलाउड नहीं। मैंने अगर मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने मेरे ऑफिस में कैटरिंग की सर्विस ली, सब आर्टिकल्स और स्टाफ को खाना खिलाने, तो वो जो कैटरिंग वाला बिल देगा उसका जीएसटी मुझे अलाउड नहीं, क्रेडिट अलाउड नहीं, राइट? लेकिन अब मैं कैटरर हूँ, मान के चलो सीएनईओ, मैं कैटरर हूँ, है आशीष राम, जैसे हमारे इधर हल्दीराम, वैसे आशीष राम करके एक मैं कैटर, ओके, और मैंने हल्दीराम से सर्विस लिया कैटरिंग, एक कैटर ने दूसरे कैटर से सर्विस लिया, मतलब आशीष राम ने हल्दीराम से सर्विस लिया और मैं किसी और को प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अब देखो मुझे बिल कौन देगा, ध्यान से समझो, आशीष राम को बिल कौन देगा, मुझे कौन सर्विस दे रहा, हल्दीराम, तो हल्दीराम मुझे बिल देगा, उसके बिल में जीएसटी लगता है, वो जीएसटी का क्रेडिट अब मैं ले सकता हूं, मैं सेम बिजनेस में आई एम अ कैटर, मैं उसका क्रेडिट ले सकता, राइट? और फिर मैं आगे कस्टमर से उसका जीएसटी वसूल कर लूं,
सेम बिजनेस में, या मैं ब्यूटी ट्रीटमेंट वाला हूं, मैंने किसी ब्यूटी ट्रीटमेंट वाली से सर्विस लिया और मैं आगे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उससे जो मैंने सर्विस लिया उसके ऊपर जो जीएसटी लगा उसका क्रेडिट मैं ले लूं। और दूसरा, व्हेन सच गुड्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अब गवर्नमेंट ने आगे चल के एक लॉ लाया स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन कि हर ऑफिस में एक टाइम का खाना एम्प्लॉयर को ही देना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। या फिर हर ऑफिस में जिम कंपलसरी, मतलब एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को फिट रखने के लिए उनको जिम में भेजना पड़ेगा। आपको मालूम है यूएस वगैरह में क्या होता है, जब आफ्टरनून ब्रेक होता है ये लोग दौड़ने भागने अपने साथ में एक कपड़े का सेट एक्स्ट्रा लाते हैं, रोज ऑफिस में दौड़ने भागने जाते हैं लंच टाइम में, आधा घंटा दौड़ के आते फिर फ्रेश होते नहाते और फिर वापस कपड़े पहन के ऑफिस में काम पे लग जाते। ये इट हैपन्स एवरी डे इन यूएस, राइट। तो ऐसी अगर सर्विस कंपलसरी कर दी, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, उनको रोज खाना खिलाना, और फिर मैंने कैटरिंग की सर्विस ली, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है भाई, तो फिर वो कैटरिंग वाले सर्विसेज का मुझे जीएसटी का क्रेडिट मिला, या हेल्थ सर्विसेज का फिर मुझे जीएसटी का क्रेडिट इफ इट इज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। वहां पे चीज ली रिमार्क्स में, राइट। देन उसके नीचे भी कोई एग्जांपल है, एबी एंड कंपनी अ कैटरर ऑफ अमृतसर, अमृतसर का कैटरर हैज बीन अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैटरिंग इन अ मैरिज टू बी हेल्ड इन लुधियाना। उसको एक कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला जो मैरिज लुधियाना में होने वाला है। अ फर्म हैज गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ स्नैक्स, अरे स्नैक्स नहीं रहे स्नैक्स, कुछ लोग बोलते स्नैक्स, मैं एक दिन ऐसे ही होटल में गया स्टूडेंट्स के साथ, एक स्टूडेंट बोला सर आप क्या लेंगे स्नैक्स में, मैं बोला अरे बाबा मैं स्नैक्स नहीं खाता, हम प्योर वेजिटेरियन, मैं स्नैक्स वगैरह नहीं खाता है, तो स्नैक्स नहीं, बहुत सारे प्रोनंसिएशन में गड़बड़ हो जाती, राइट। तो द फर्म हैज गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ स्नैक्स टू द सर्व टू बी सर्व्ड इन मैरिज टू सीडी एंड कंपनी अ लोकल कैटरर इन लुधियाना। देखो सेम बिजनेस में आईटीसी ऑन सच आउटडोर कैटरिंग अवेल्ड बाय एबीसी इज अलाउड, सेम बिजनेस में। देन आईटीसी ऑन आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेल्ड बाय द कंपनी फॉर टीम डेवलपमेंट इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द फॉर इट्स एम्प्लॉइज, क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। देन क्या हुआ, देखो आईटीसी ऑन आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेल्ड बाय द कंपनी टू रन द कैंटीन इन इट्स फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन आ गया, क्रेडिट अलाउड हो जाए। अरे आया समझ। देन लास्ट टू वेरी सिंपल, तो 1, 2, 3, 1 देखा मोटर व्हीकल, 2 देखा वेसल एयरक्राफ्ट, 3 देखा ये सब सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट, आउटडोर कैटरिंग, फूड बिवरेजेस, लीज रेंटल हायरिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ जिम वगैरह की सर्विस, ये सब देखा। देन मेंबरशिप ऑफ अ क्लब और हेल्थ एंड फिटनेस, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब और हेल्थ और फिटनेस विंस, ये इसका क्रेडिट आपको अलाउड नहीं है, मतलब आपने आपके एम्प्लॉय को क्या किया, मेंबरशिप दिया क्लब का, कोई लायंस क्लब, जेसी क्लब, तो इनका जेसीआई, इनका अगर आपने क्लब मेंबरशिप फैसिलिटी अपने आर्टिकल्स को या एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की और उसके ऊपर वो लोग जीएसटी लगा के देंगे वो सर्विसेज, ऑफकोर्स जैसा मेरे ऑफिस में जितने भी आर्टिकल और एम्प्लॉय मैं सबको एक क्लब ज्वाइन करके दिया, राइट। अरे कॉन्टैक्ट्स बनते हो क्लब से, आपने भी करना चाहिए, कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते, तो मैंने वो सबको करके दिया ना, उसकी मेंबरशिप फी ऑफकोर्स मैं भरता हूँ, है ना, हेल्थ क्लब, फिटनेस क्लब, ये सबकी मेंबरशिप फी मैं भरता हूँ उनके भी, हमारे ऑफिस में आओ आप, बहुत मजेदार काम, राइट। तो ये इसके ऊपर जो जीएसटी लग के आएगा उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन लेकिन अगर ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंडर है, गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेशन डाल दिया कि नहीं एम्प्लॉय को फिट रखने के लिए कंपलसरी एम्प्लॉयर को ये फिटनेस क्लब में मेंबरशिप देना पड़े एम्प्लॉयज को, तो फिर ऐसे केस में क्रेडिट मिल जाए। देखो When such a service are provided by employer to its employee under statutory obligation, अगर statutory obligation है तो फिर credit मिलेगा। Again वही दिया, when such a goods or services provided by employer to its employee without any statutory obligation, without any है तो फिर credit block, but अगर statutory obligation तो credit मिलेगा। Then last, travel benefits extended to the employees on vacation such as leave or home travel concession, वो सब आपने LTC वगैरह पढ़ा है डायरेक्ट टैक्स में,
मेरे पास में पढ़े होंगे तो बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा है, एलटीसी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में पढ़ाता हूँ आपको जैसे कि मालूम है। तो ये एलटीसी और वेकेशन लीव वो मैंने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया और वो ट्रैवल कंपनी ने मुझे बिल दिया, तो क्या उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा? अफकोर्स नॉट। बट अगर वो अगेन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट ने बोला कि साल में हर 5 दिन कंपल्सरी हर एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट देना है वेकेशन का या फिर उसको लीव ट्रैवल कंसेशन का बेनिफिट देना, तो फिर जो भी जीएसटी लग जाएगा उसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा इफ इट इज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। और अगर विदाउट एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो आईटीसी ब्लॉक। सो दीज आर सिक्स केसेस जिसमें हम लोगों ने देखा कि कौन से क्रेडिट ब्लॉक है और कौन से क्रेडिट आपको मिल जाएगी, कंडीशंस क्या क्या है, वो पूरा एक बार आप गो थ्रू करो अभी के अभी। आई एम श्योर गाइस अगर आप अभी पढ़ते हो हार्डली 10 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाए। नीचे मोटर व्हीकल की डेफिनेशन दी, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, तो आप ये अगर 10 मिनट के अंदर अगर पूरा रिवाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। ओके,